बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा धमाका हुआ है और उस धमाके में 11 लोग घायल हुए हैं। तो तुर्की के इस्तांबुल में बड़ा धमाका हुआ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस धमाके में अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 11 लोग घायल हुए हैं। और क्या नुकसान हुआ है इसको लेकर अभी और अपडेट नहीं आई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तुर्की के इस्तांबुल से, ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस धमाके के बारे में? देखिए, बताया ये जा रहा है कि अब से करीब 3 घंटे पहले ये धमाका सबसे बिजी इलाका जो तुर्की की राजधानी इस्तांबुल का है, तक्सिम स्क्वायर, वहां पर हुआ है। और हालांकि अभी तक ये जानकारी थी कि 11 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अब ये जो जानकारी आई है निकल के, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। और जाहिर है कि इसमें जो मरने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये इलाका बहुत ही ज्यादा बिजी है और यहाँ टूरिस्ट और लोकल खास तौर पर जमा होते हैं। बार, नाइट कैफे और इस तरह के रेस्टोरेंट, इस तरह की यहाँ पे दुकानें हैं। और जो मीडिया फुटेज आ रही है सामने, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि बहुत से एम्बुलेंसेज और फायर ट्रक्स जो हैं वो इस इलाके में जा रहे थे। अब ये किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे, इस बारे में अभी तक बहुत स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इस तरह की जब भी धमाके होते हैं, याद करना पड़ता है वो दौर जब 2015 से 2017 के बीच में इस्तांबुल में और तुर्की के दूसरे इलाकों में कई धमाके हुए थे, जो कुर्दों ने और खास तौर पर ISIS के लोगों ने, जो कि ये दोनों जो संगठन है, कुर्दिस्तान की आजादी चाहने वाले लोग और खास तौर पर ये जो ISIS के लोग हैं, ये मिल करके तुर्की के खिलाफ जो साजिश रचते हैं, कहीं उनका उनकी तरफ से तो ये कार्यस्थानी नहीं की गई है। हालांकि अभी ये प्राथमिक जानकारियां हैं और अभी सारा ध्यान राहत और बचाव पर लगा हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में इस्तांबुल थोड़ा शांत पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि अब वहां पर शांति है, इस तरह की वारदात नहीं होती हैं। लेकिन इस धमाके में एक बार फिर से उस विश्वास को झकझोर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।